दोस्तों भले ही ऑस्ट्रेलिया टीम को तीसरे T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ जीत मिली हो, लेकिन इसके बावजूद BCCI ने ऑस्ट्रेलिया टीम पर लगा दिया इतने करोड़ रुपए जुर्माना व 2 साल का प्रतिबंध। या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं BCCI ने आखिरकार क्यों लगाया ऑस्ट्रेलिया टीम पर इतना भारी जुर्माना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आज तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और मात्र 24 रनों पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 52 रन जोड़ दिया। दोस्तों सूर्या के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और किसी भी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज और गेंद को बख्शा नहीं और मैदान के चारों तरफ कर डाली चौको छक्कों की बारिश। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 20वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर छक्का जड़कर अपना विस्फोटक शतक पूरा किया और भारत के स्कोर को 20 ओवर में 222 तक पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों मैक्सवेल की शानदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को तीसरे T20 मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बावजूद BCCI ने ऑस्ट्रेलिया टीम पर स्लो ओवर रेट के चलते लगा दिया इतना भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम अपने कोटे के 20 ओवर तय समय पर डाल नहीं सकी, जिसके चलते BCCI ने लगाया इतना भारी जुर्माना।